दोस्तों ये मुसंडा देख रहे हैं, ये मेरे कितने सुंदर और अच्छे हैं, हेल्दी हैं फ्रेंड्स। ये लेकर के आई हूँ और देखिए जब ये फूल मुरझाने लगते हैं तो इनकी पत्तियों में जब ऊपर जैसे इनकी न्यू लीव्स निकलती फ्रेंड्स, तो उसी में इनकी फ्लावरिंग होती, फिर इसके ऊपर कुछ पीलापन छोटे छोटे फूल आते हैं तो अब अच्छे वही वो फूल होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये लीव्स से ही इनकी इतनी सुंदरता होती है, बहुत प्यारे लगते हैं फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स दो तीन चार कलर में आते हैं फ्रेंड्स। तो ये हमारे पास तो दो कलर के अभी हैं और दो कलर के मैं बाद में लेकर के आऊँगी। लेकिन फ्रेंड्स ये वीडियो देखिए, फिर हमारे कम से कम जब कभी भी अगर पौधे नर्सरी से लेकर के आएँ फ्रेंड्स तो गार्डन के एटमॉस्फेयर में ज़रूर रखें, नर्सरी से ला करके पौधों को तुरंत रिपोर्ट बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर ये गलती कर देंगे तो फ्रेंड्स कभी पौधा चल नहीं सकता, ये 100% गारंटी है। पौधे को भी उसी माहौल को देना चाहिए जिस माहौल में उनको रहना है, पौधे भी समझ जाएं कि नहीं मुझे यहीं पर रहना है, तभी वो संतुष्ट और खुश हो पाते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारे कम से कम महीनों दिनों के रखे थे, तब इसके बाद में मैं इनको ट्रांसफ़र करने जा रही हूँ। और फ्रेंड्स ये जो है देखिए कि मेरी जो मैंने अपनी किचन वेस्ट रसोई की खाद है वही मैंने निकाली, और फ्रेंड्स बाद में मैं दिखाऊंगी कि एक चीज़ निकली इसमें, तो फिर वीडियो मैंने जब देखा तो चलिए हमने कहा बाद में आप लोग बताते हैं। और ये फ्रेंड्स इसमें हल्दी ज़रूर मिला लें, हल्दी क्या है हमारी एंटीबायोटिक जो होती है बहुत फंगस से बचाने का काम करती है, और इसको मिला करके अच्छी तरीके से इसको गुड़ाई कर लें और पूरे मिट्टी में अच्छी तरीके से ये फर्टिलाइजर जो है मिला करके अच्छे ढंग से मिला लेंगे तो ना कहीं मिट्टी कहीं फर्टिलाइजर तो वो चीज़ उतनी अच्छी नहीं होती है। और ये देखिए ऐसे फ्रेंड्स इसका होल बना लें और फिर इसमें हल्दी थोड़ा छिड़क दें। अब ये देखिए फ्रेंड्स मैं इसको कैसे निकालने जा रही हूँ, ये उल्टा करके दो उंगलियों में फंसाएं ऐसे और फिर ऊपर से टैप करें। ये देखिए आराम से ये निकल आया फ्रेंड्स, और इनकी हल्की पुल्की जड़ें थोड़ी खोल दें, क्योंकि पूरे जड़ें इसमें गमले में छोटे वाले पॉट में नर्सरी पॉट में भर चुकी थी, तो इनको जड़ों को भी मैं ऐसे खोले दे रही हूँ। और इनके अंदर की मिट्टी बड़ी कड़क होती है, लेकिन फ्रेंड्स डर की वजह से मैं नहीं इनको हटा रही हूँ कि पता नहीं पौधे में क्या अंदर है, कहीं ऐसा नहीं कि पौधा डैमेज हो जाए। और ये फ्रेंड्स आप लोगों से एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि अगर आप पहली बार आए हों और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन में घंटी को जाकर के प्रेस कर लें, क्योंकि मैं कोई सा वीडियो अपलोड करूं फ्रेंड्स तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और ये देखिए इसे दबा दबा करके भरें। ये फ्रेंड्स इसमें मैंने जब देखा इस गमले में, तब मैंने कहा कि इस गमले में है क्या, तो वही चीज़ मैं दिखाने जा रही हूँ कि इस हल्दी है। और ये देखिए फ्रेंड्स इसमें कीड़ा ये निकला, ये अगर मैं कीड़ा इसको देख नहीं लेती ये पौधों वाला ही कीड़ा था, ये जो मोटा सा कीड़ा होता है तो ये पौधों को बिल्कुल खा डालता है इनकी जड़ों को फ्रेंड्स। बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनको ये अगर कीड़े लगे होते हैं जड़ों में तो बहुत बड़े बड़े पेड़ भी सुखा देते हैं, जैसे आम का है, अमरूद है, कैसे भी प्लांट्स हों फ्रेंड्स बहुत बड़े बड़े ये जो है प्लांट्स पौधों को सुखा देते हैं। तो ये इनसे ज़रूर थोड़ा बच करके रहें और बचा करके रखें। तो ये देखिए ऐसे इनमें भी होल कर लें फ्रेंड्स और फिर इसमें हल्दी छिड़क दें, फंगीसाइड ना मिले तो। और वही फ्रेंड्स इसमें भी वही चीज़ करें कि दो उंगलियां फंसाएं और फिर ऐसे टैप करें, हल्के हाथों से ऐसे मारते जाएं। ये देखिए फ्रेंड्स निकल आता, जब उल्टा करके करते हैं तो ये हमारे रूट्स डैमेज नहीं होते हैं। तो ये पौधा लगाने का सबसे अच्छा और साधारण तरीका है।
तो ये फ्रेंड्स मैंने ऐसे इनको रिपोर्ट किया है, और इनको जब भी लगाएं तो ऊपर से दबा जरूर दें, वही चीज़ फ्रेंड्स इसमें भी दिख रही मुझे। ये देखिए ऐसे इनको दबा दें, दबाने के बाद में अब इसमें हल्दी का थोड़ा पानी मिला दिया, मिलाने के बाद में यही पानी मैं इसमें डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि मैं कैसी ये पौधों को लगाई हूँ और कैसे मेरे पौधे हैं ये। हालांकि ये पौधे काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं, और फ्रेंड्स जब मैं हींग का प्लांट लगाऊंगी तो मैं ज़रूर ट्रांसफ़र करूंगी, बताऊंगी। सॉरी, ये देखिए फ्रेंड्स ये हींग का प्लांट है, तो हींग का भी काफ़ी समय से रखा है, और हमारा तेज़पत्ता का भी यहीं रखा हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स तेज़पत्ता का है। तो अपना अपना ख्याल रखें और ऐसे गार्डनिंग करते रहें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।